morning everyone. This is Dr. Rikabli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. बहुत ही कॉमन क्वेरी है कि क्या हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं प्रेगनेंसी में. ऑफ कोर्स यू कैन क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन द स्टेप्स. हमारे मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस हैं जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अबॉर्शन हो जाती है. ऐसा नहीं है. व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी, जैसे जैसे टमी साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साथ में जब टमी बड़ा होता है तो आपको स्टेयर्स नीचे ठीक से दिखती नहीं है, अगेन आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्डली जो स्टेयर्स हैं कई बार स्लिपरी होती हैं. फोर्थली हमारा जो फुटवेयर है वो स्लिपरी होता है. फिफ्थली जो इंडियन कल्चर में हम कपड़े पहनते हैं लाइक साड़ीज एंड सलवार्स, कई बार प्रॉब्लम आती है कि उसमें ही पैर फंस जाता है एंड देन यू एंड अप हैविंग अ फॉल. सो इन कारणों से हम बोलते हैं कि आपने स्टेयर्स अवॉइड करनी है. अगर आपने चढ़नी है तो आराम आराम से वन स्टेप एट अ टाइम रेलिंग को पकड़ के आप चढ़ेंगे. अदरवाइज स्टेयर्स चढ़ने या उतरने से कोई भी अबॉर्शन नहीं होती, कोई भी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस नहीं होते. ऑब्वियसली अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि आपको बार बार अबॉर्शंस होती हैं, सर्वाइकल लेंथ आपकी कम है, आपको सर्वाइकल स्टिच लगा हुआ है, आपकी ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, IVF प्रेगनेंसी है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, प्री टर्म डिलीवरी के आपके चांसेस हैं, तो इन कंडीशंस में आप स्टेयर्स अवॉइड करोगे. ऑब्वियसली डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट पर डाला हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें स्टेयर्स अवॉइड करना भी बनता है. सो दैट इज ऑल अबाउट कि आपने प्रेगनेंसी में स्टेयर्स चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते. दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. We are available for teleconsultation and video consultation. You have any queries, you can give us a call. You can also visit us at Healing Hospital, Chandigarh. Thank you.